शांति, आपको क्या लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी है जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं? साफ है, देखिए जिसकी नंबर प्लेट पर गाली खोलती हो और उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ और पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद पुलिस नहीं होती उसके साथ और उसके उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका वकील, उसकी माँ सब इतने बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, माँ की तो मौत हो जाती है, माँ, मौसी, चाची, मौसी और उसकी खुद की इतनी बुरी हालत होती है। ये तो और इससे पहले बहुत कुछ और हुआ है, उसके पिताजी को मार दिया गया और विटनेसेस को मार दिया गया। यूपी में तो बिल्कुल सरेआम गुंडा राज चल रहा है, तो सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि यूपी की सरकार को बर्खास्त किया जाए। अगर कोई वजूद होता है प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का तो आज यूपी में है प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का, तो कि प्रेसिडेंट्स रूल में भी इन्हीं लोगों की सरकार हो, लेकिन कम से कम जो मौजूदा सरकार चल रही है इसको बर्खास्त होना चाहिए और इन लोगों को पार्टी से बाहर होना चाहिए। ये सेंगर और साक्षी महाराज वगैरह को कैसे साक्षी महाराज जाकर उससे जेल में मिला है? बीजेपी ने क्यों नहीं उसके खिलाफ एक्शन लिया? क्या आप लोगों की तरफ से किस तरह की कोई लीगल या कुछ मदद की जाएगी पीड़िता को? वो हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले सुना प्रशांत चुनाव में रेप इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वो इंडिया गेट पर बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं, योगेंद्र यादव यहाँ पर है, प्रशांत भूषण यहाँ पर है, इसके साथ बहुत सारे लोग हैं। योगेंद्र जी आज यहाँ पर लोग जुटे हैं, काफी लोग आए हैं, किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं उस पूरे मामले में? तमाम नागरिक होते हैं, किसी एक संगठन पार्टी के लोग नहीं, और सिर्फ एक नागरिक के बताओ इस जो ह्यूमन ट्रेजेडी उसे दर्ज करने के लिए, मुझे याद है आज से 6 साल पहले हम यहीं इंडिया गेट पे निर्भया के साथ जो हुआ था उसके लिए खड़े हुए, और ये जो ट्रेजेडी है ये इससे क्या कम है? जिन्होंने आर्टिकल 15 देखी हो, ये बिल्कुल वही का वही रिपीट है, बस जाति का मामला नहीं है, बिल्कुल अदरवाइज तो सब हो रहा है। पिछले 2 साल में इस लड़की के साथ क्या नहीं हुआ? रेप हुआ, बदले में केस उसके पिता के खिलाफ हुआ, आत्मदाह की कोशिश की, बदले में उसके पिता को थाने के अंदर पीट पीट के मार दिया गया, जो की विटनेसेस थे वो मर गए, और अब चाची मौसी की मौत और वकील और वो स्वयं बिल्कुल जिंदगी मौत से संघर्ष करते हुए, ऐसे में कोई तो खड़ा होगा, कोई तो बोलेगा, और हम यहाँ पे उस समाज की आवाज उठाने आए हैं जो लाखों करोड़ों लोग घर में बैठे सोच रहे हैं तो गलत है।